चैप्टर अ लेटर टू बोर्ड पर पढ़ने जा रही हूँ और ये सीबीएसई बोर्ड का भी फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू बोर्ड और इस चैप्टर के राइटर है जी एल क्वेड जो कि एक मैक्सिकन राइटर है और इनका पूरा नाम है मिगेलियो लोपेज क्वेड। ये कहानी हमें क्या दर्शाती है? ये कहानी हमें दर्शाती है द स्टोरी डिपिक्ट द इन्फिनिट फेथ ऑफ मैन टू गॉड। एक व्यक्ति का भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास का होना और इस कहानी की सेटिंग है रूरल लाइफ ऑफ मैक्सिको। इस स्टोरी में कैरेक्टर है हमारे तीन। नंबर पहला कैरेक्टर है लैंचो। लैंचो एक गरीब किसान है और सेकंड है हमारा पोस्टमैन। पोस्टमैन आप जानते हो, पोस्टमैन जो आपके घर पत्र वगैरह बांटते हैं उन्हें हम पोस्टमैन कहते हैं। और तीसरा है हमारा पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर जो उस पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है। ये कहानी शुरू होती है अ पुअर फार्मर लैंचो। लैंचो एक एंटायर वैली में अकेला रहता है और उसका घर एकदम ऊंची पहाड़ी पर। उसकी उस पहाड़ी से उसके खेत के मैदान दूर से बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। उसके खेतों को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता, वो है बारिश की बूंदे। लेकिन अचानक से उसकी जो वो प्रेडिक्शन करता है कि उसके बारिश हो जाए और उसके खेतों को बरसात की बूंदे मिल जाए तो उसका खेत लहलहा उठे। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बारिश जो है बहुत तेजी से होती है एंड ऑल द क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का मतलब होता है अतिवृष्टि और ओलावृष्टि। उसके बाद जो है लैंचो जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी फसल पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इसलिए लेकिन वो अपनी आशा नहीं खोता है और इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वो लिखता है आई नीडेड 100 पैसों। उसको 100 पैसों की आवश्यकता होती है। पैसों क्या होता है, पैसों होता है मैक्सिकन करेंसी। लेकिन जब वो पत्र लिखता है तो वो उस पत्र पर साइन करता है कोर्ट की और उस लेटर को वो जो है पोस्ट ऑफिस में डालाता है। जब पोस्टमैन जो होता है वहाँ का पोस्ट मास्टर, जब वो उस लेटर को देखता है, मैं ना आगे से स्टार्ट कर दूंगी, आगे से कर दूंगी।